पुलिस ने बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद से बहुत अच्छा काम किया। तो इनकी वजह से ही ये खुल पाया। मथुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के दलपत खिड़की मोहल्ले में पिछले दिनों 27/28 सितंबर की मध्य रात्रि में चोरी की एक बड़ी वारदात हो गई थी। चोरी की ये वारदात कपड़ा व्यवसायी युगल किशोर अग्रवाल के घर पर हुई थी। ये वारदात उनके घर पर तब हुई जब वे अपने घर का ताला लगाकर कहीं गए हुए थे। पीछे से पड़ोसी दिनेश उर्फ टोरी यादव ने उनके घर में पहुंचकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का खुलासा होने की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। ये 27/28 तारीख को रात थाना कोतवाली क्षेत्र के अंदर एक कपड़ा व्यवसायी है, उनके यहाँ पे चोरी हुई थी। चोरी के अंदर काफी सामान लिया था और इस घटना का अनावरण किया गया। घटना के अंदर शामिल एकमात्र अभियुक्त दिनेश टोरी यादव को गिरफ्तार किया गया, जिसकी उम्र करीबन 29 वर्ष है, जिसने अपने जुर्म का इकबाल किया है। और जो घटना का अनावरण हुआ है उसमें ये पता लगा है कि इनके बगल का ही बिल्कुल रहने वाला है, 200 से 300 मीटर के अंदर घर पे इनके घर की दूरी है। इस व्यक्ति की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। इसको इस बात की जानकारी थी कि घटना के एक दिन पहले जो जिनके यहाँ पे चोरी हुई है युगल किशोर अग्रवाल जी, ये अपने कुछ कारणों से जनपद से बाहर जा रहे थे और बाहर से ताल लगाते हुए इसने इनको देखा, क्योंकि इनको इनकी व्यापारिक हैसियत की जानकारी थी और इसको इस बात की जानकारी थी कि काफ़ी सामान इनके यहाँ पर हो सकता है। ये दूसरे रास्ते से ऊपर का एक जाले के रास्ते से नीचे आया और इसने वहाँ पे जो भी सोने चांदी के आभूषण थे और लगभग 3 लाख के आसपास का कैश, ये टोटल कीमत जो है ज्वेलरी वगैरह की आंकलन करके कैश के साथ मिला के लगभग 83 लाख रुपये की है, जिसको 100% रिकवरी किया गया है और इसने अपने जुर्म का इकबाल किया है। घटना के बाद इसने अपने घर पे अपने पलंग के नीचे एक गड्ढा खोद के उसके ऊपर एक प्लाई लगा के उसको बेड से कवर कर लिया था। लोकल पुलिस को कुछ स्थानीय स्तर से जानकारी हुई जहां पर इसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। पूछताछ हुई, पूछताछ के दौरान इसने अपने जुर्म का इकबाल किया। जुर्म का इकबाल करके इसी की निशानदेही के ऊपर इसके घर से सारा माल रिकवर किया गया और इसके अंदर विधिक कार्रवाई की जा रही है। कपड़ा व्यवसायी द्वारा पुलिस के इस खुलासे पर भारी प्रसन्नता जताई गई और पुलिस के इस कार्य की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। पुलिस ने बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद से बहुत अच्छा काम किया और इनकी वजह से ही ये खुल पाया। अगर जो लोग थोड़ी भी ढिलाई करते थे काम नहीं हो पाता। आप लोगों ने सोचा कि ऐसा चोर निकलेगा जो कभी इसका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ना हो या कुछ इतिहास ना हो? अगर जो हम सोचते हैं वैसा कहाँ होता है भाई, जो नहीं सोचते हैं वही तो होता है। अब आप लोग संतुष्ट हैं? बिल्कुल पूरी तरह। पुलिस ने बहुत ज्यादा मतलब उम्मीद से बहुत अच्छा काम किया। तो इन्हीं की वजह से ही ये खुल पाया।